मध्य प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार, सामने आए कोरोना के 453 नए केस, एक दिन में कोरोना से 36 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में थमी कोरोना की रफ्तार, सामने आए 954 नए केस, एक दिन में 14 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। आगर मालवा जिले के सभी दुकानें रोज शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। प्रत्येक रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। दंतेवाड़ा में सामूहिक बाजार पहुंचे एसडीएम प्रकाश भारद्वाज। 7 बजे शाम तक व्यापारियों ने खोल रखी थी दुकानें। प्रकाश भारद्वाज ने चालानी कार्रवाई की और कहा शाम 6 बजे तक ही दुकान खोलने की इजाजत है। देश में 1,00,000 से कम हुए कोरोना के केस। 24 घंटे में 92,556 नए केस सामने आए, 2,219 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,90,00,000 के पार। अब तक कोरोना से 3,53,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई। 24 घंटे में 337 नए मामले, 36 की मौत, 4,000 के पार एक्टिव केस। महाराष्ट्र में अभी कम नहीं हुआ कोरोना। 24 घंटे में 10,989 मामले, 261 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 980 नए केस, 27 की मौत, एक्टिव केस की संख्या 15 के पार। एमपी की राजधानी भोपाल में आज से खुलेंगे सभी बाजार। शनिवार को अब लॉकडाउन नहीं होगा। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही एक्शन में केंद्र सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। आज बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर सकते हैं। पीएमओ और एमएचए अधिकारियों की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के साथ दोनों गृह राज्य मंत्रियों के शामिल होने की खबर। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा संभव। ऑक्सीजन सप्लाई पर भी हो सकती है चर्चा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर चुनाव, अमरनाथ यात्रा और सीएए के नियमों पर भी बात हो सकती है। जांजगीर चांपा में जुआरियों के फड़ में पुलिस का छापा, बड़ी संख्या में चल रहा था जुआ। 5,10,000 रुपए के साथ 10 जुआरी गिरफ्तार। दतिया में अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से दवाएं चुरा कर ले जाते दिखा एक युवक, निजी अस्पताल में काम करता है युवक। गरियाबंद जिले में स्कूल में चपरासी ने स्कूल परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रायसेन में रेत से भरे डंफर लूटने का मामला सामने आया। कार में सवार होकर अज्ञात बंदूकधारियों ने 8 डंफरों को रोककर मारपीट कर पैसे और रेत लूट लिया। दुर्ग में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए थाने के बाहर अहिवारा पालिका अध्यक्ष ने सुबह धरना दिया। मोहल्लेवासियों ने ईएसआई पर लगाया पैसे लेने का आरोप। विदिशा में 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। दोस्त रंजीत अहिरावर की निकला दुर्गेश साहू का कातिल। एएसपी संजय साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या का खुलासा किया। सागर में एक व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिला। पुलिस को शव के पास में पिस्टल भी मिली, वहीं मृतक के सीने में गोली लगने का निशान है। रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। चांगोराभाट थाने में बाजार में 15 से 20 की संख्या में बाइक सवार युवकों ने 5 दुकानों में तोड़फोड़ की, जिससे आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल है। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या, रुपयों से भरा बैग लूटा। वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट के पास की घटना। फूलचंद राम पीएनबी में मैनेजर थे। हमलावर बैंक मैनेजर के परिचित ही बताए जा रहे हैं, मैनेजर के कहने पर ही गाड़ी में बैठे थे। पटना पुलिस को मिली कामयाबी, रिटायर्ड बैंक कर्मी की हत्या का खुलासा किया। मास्टरमाइंड समेत 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दामाद और उसकी दूसरी पत्नी ने अपने देवर के साथ रची थी हत्या की साजिश।
इंदौर में दो दिनों तक चली लंबी बैठक और संशोधन के बाद निगम प्रशासन ने इंदौर नगर पालिका निगम के बजट को स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए 5162 करोड़ के बजट पर मुहर लगाई गई। कोरिया में कलेक्टर के पैर छूने का वीडियो सामने आया। नए कलेक्टर श्याम धावड़े के आगमन पर स्वागत के दौरान पैर छू रहे हैं। राजनांद गांव के कमाला कॉलेज के समीप ठेला गुमटी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत दुकान आवंटन की मांग को लेकर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी जिले में 509 कोरोना सैंपल में से 276 सैंपल रिजेक्ट। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते रिजेक्ट हुए इतनी बड़ी संख्या में सैंपल। आज दिखेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शाम 5:52 पर दिखेगा ग्रहण। 148 साल बाद बन रहा अद्भुत संयोग, आज शनि जयंती है। इससे पहले ऐसा 26 मई 1873 में हुआ था। पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं ने दिल्ली में बढ़ाई गर्मी। कल राजधानी का पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 12 से 14 जून तक बारिश के आसार, मिल सकती है गर्मी से राहत। जम्मू के सर्कुलर रोड पर सड़क हादसा, जमीन का एक हिस्सा धंसने से खाई में गिरी कार, चार कार और एक स्कूटी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, मुंबई समेत ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक बारिश, मुंबई में बारिश का अनुमान लगाया गया है। मुंबई समेत कोंकण क्षेत्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। ऑरेंज अलर्ट के दौरान कोंकण के जिलों में भारी बारिश का अनुमान। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जलजमाव, लोगों का घर से निकलना दुश्वार हुआ। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर की 8.3%। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में हो रही है मुश्किल। कोविड 19 की दवाओं पर जीएसटी से मिल सकती है राहत, सरकार के पास पहुंची जीओएम की रिपोर्ट। निसान मैग्नेटाइट एसयूवी पर कंपनी ने शुरू किया सब्सक्रिप्शन प्लान, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर और हैदराबाद से शुरुआत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई फाइलिंग पोर्टल में कमियां, इंफोसिस और नंदन नीलेकणी पर भड़की निर्मला सीतारमण। रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 4 करोड़ रुपए का जुर्माना, बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 4% टूटे। ऑफिस के रेनोवेशन का जायजा लेने पहुंची कंगना ने नहीं पहना मास्क, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल, यूजर्स बोले अरेस्ट करो इसको। करीना कपूर ने बढ़ाई अपनी फीस, रामायण पर बन रही फिल्म में सीता का किरदार निभाने के लिए मांगे 12 करोड़। पहली बार सारा अली खान के साथ नजर आएंगी अमृता सिंह, सारा ने मां से चंपी करवाती फोटो शेयर की। सनी लियोनी ने शेयर किया शूट के दौरान का एक फनी वीडियो, कहा आता माझी सटक ली, फैंस को पसंद आ रहा है अंदाज। हिंदी नोवेल की दीवानी हो गई है तापसी पन्नू, नोवेल पढ़ते एक तस्वीर पोस्ट की, लिखा ये इश्क भी बड़ा नापाक है, आज साथ तो कल खिलाफ है।